बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने बर्थडे पार्टी से लौट रहे तीन दोस्तों को गोली मार दी, जो रंजीत रजक उम्र 25 वर्ष घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो मुकेश चौधरी और मुन्ना गोंड को सदर अस्पताल से इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया गया। सभी आरा नगर के बलवतरा के निवासी हैं, जिसमें अस्पताल प्रशासन की लापरवाही कारण दिन में 10 बजे तक पोस्टमार्टम न होने कारण सभी ग्रामीण वासी शिवगंज मोड़ पर डेड बॉडी रखकर जाम कर प्रशासन विरोधी नारे लगाए। जब तक पोस्टमार्टम हुआ, आरा सदर प्रखंड के बलुआ ग्राम में भी एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिया गया। जाप के जिला अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि भोजपुर जिला में अपराधी बेलगाम हो गई, अपराधी और पुलिस का गठजोड़ है। शराब माफियाओं कारण हत्याएं की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नीतीश सरकार में दलितों की हत्या में बहुत ही काफी बढ़ोतरी हुई है। बिहार सरकार नाकाम है, मांग करते हैं कि अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कर उसे स्पीडी ट्रायल कर तुरंत सजा दिया जाए। बताया जाए, हत्या के विरोध में आप लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर अधिकारी हैं, क्या बातचीत हुआ? आज लगातार भोजपुर जिले में दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही है। कोई आज महादलितों की आज हत्या लगातार। रंजीत रजक जो बलवतरा के निवासी है, ये बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे और इनको 8 गोली मारा गया, और लोगों को भी गोली, और इनको मोबाइल छीन कर मोबाइल पर गोली मारा गया, और इनके दो साथी और थे उनको भी तीन तीन चार चार गोली मारा गया। आज जीवन और मौत के बीच में पटना आज लोग जूझ रहा है। ये महादलित परिवार, हम लोगों की मांग है कि तत्काल इनको मुआवजा मिले, जो सरकारी है, जो माननीय नीतीश कुमार जी जो बोले हैं कि दलितों के हत्या पर एक सरकारी नौकरी मिले, वो तत्काल इनको यहाँ पर रिकमेंड किया जाए। हम लोग इसी मांग के साथ हम लोग अड़े हुए हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। रात से ही अस्पताल में ना ही यहाँ पर कोई डॉक्टर सुनने वाले हैं, अन्य यहाँ का जिला प्रशासन सुनने वाला। पोस्टमार्टम हो चुका है? अभी कहीं कुछ नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए सुबह से ही लोग घेरे हुए हैं, भाई कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी सब लोग को लेकर कहा जाए कि भाई ऐसे लोग नहीं सुनेगा, महादलित का बात है। आज दूसरा कोई रहता तो देखते, आज हॉस्पिटल सब जल्दी जल्दी कामों का बहिष्कार करता है। महादलित है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये वरीय अधिकारी है तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वरीय अधिकारी आश्वासन दिए कि ठीक है, हम देखते हैं, करते हैं, कार्रवाई करते हैं, बस यही आश्वासन के साथ। क्या लगता है अपराधियों का मनोबल पूरे शहर में? पूरे शहर में बिल्कुल दारू माफिया का राज है लगातार। हम तो बोल ही रहे बार बार, कल भी हम टीवी पर बोले थे लगातार कि प्रतिदिन भोजपुर जिले में हत्या लूट बलात्कार हो रही है। ये सुशासन की सरकार है, इसी को हम लोग सुशासन सरकार कहते हैं।